नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 5 फरवरी शनिवार शाम का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। अभय न्यूज की ओर से आप सभी दर्शकों को बसंत पंचमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए देखते हैं आज दिन भर की कुछ खास खबरें। करीब सवा महीना पहले नागदा में हुए राकू चौधरी के बहुचर्चित हत्याकांड का आरोपी खुलेआम घूम रहा है। शनिवार को उसने सोशल मीडिया पर जन्मदिन मनाते हुए पोस्ट डाली, जिसके बाद राकू चौधरी के परिजनों ने आपत्ति जताई है। 29 दिसंबर को नागदा के पाल्यकला के रहने वाले बजरंग दल के जिला सुरक्षा प्रमुख राकू चौधरी की खुलेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राकू के भाई की रिपोर्ट पर पुलिस ने तरुण शर्मा, पुष्पेंद्र उर्फ पृथ्वी, निर्मल सेन, विजय आंके, आर्य आर्य और उसके नाबालिग भाई सहित पिता यशवंत आर्य, चाचा कमल आर्य और विजय पटेल के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया था। मामले में पुलिस ने गोली मारने वाले तरुण शर्मा सहित पुष्पेंद्र, निर्मल, विजय, आर्यन और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया था। नाबालिग बाल सुधार गृह और बाकी सब जेल में है। शनिवार को यशवंत आर्य ने जन्मदिन मनाते हुए फेसबुक पर पोस्ट साझा की, जिसके बाद राकू चौधरी के भाई राजू चौधरी ने आपत्ति ली है। हत्या के आरोपियों के खुलेआम जन्मदिन मनाने पर पुलिसिया कार्य प्रणाली पर नाराजगी जाहिर करते हुए चौधरी ने सवाल उठाए। इस मामले में नागदा मंडी थाना प्रभारी श्यामचंद्र शर्मा का कहना है कि तीनों संदेहियों के खिलाफ हत्या में शामिल होने के प्रमाण नहीं मिले थे, इसके चलते उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। विधि विशेषज्ञों के अनुसार FIR में नाम आने के बाद किसी का नाम केवल कोर्ट के आदेश के बाद ही हट सकता है, लेकिन इस मामले में मंडी थाना पुलिस ने खुद ही तीन आरोपियों को क्लीन चिट दे दी है। गौरतलब है कि वर्ष 2015 में हुए करण सिंह हत्याकांड में भी पुलिस ने विजय पटेल को सॉफ्ट कॉर्नर देते हुए 1.5 साल की रियायत दी थी, जबकि कोर्ट में सुनवाई के दौरान विजय पटेल को आरोपी बनाया गया था, जिसके चलते कोर्ट ने पुलिस को जमकर फटकार भी लगाई थी। आरोपी बनने के बाद भी पुलिस ने विजय को अग्रिम जमानत लेने का पूरा मौका दिया, लेकिन जमानत खारिज होने के बाद उसे आखिरकार जेल जाना पड़ा था। बहरहाल जरा जरा से मामलों में झूठी रिपोर्ट लिखाए जाने के बावजूद और पुलिस के संज्ञान में होने के बाद भी पुलिस आरोपियों को लेकर किसी प्रकार की रियायत नहीं बरतती है। निर्दोष को बचाने के बजाय गेंद कोर्ट के पाले में फेंक देती है। बावजूद नागदा पुलिस ने इतने संगीन मामले में आरोपियों को रियायत दे दी। खैर, आपको यह भी बता दें कि पूरे मामले में 50 लाख की लेन देन की बात सामने आ रही है, लेकिन ये रुपए किसने लिए और किसने किसको दिए, इस बात की चर्चा पुलिस गलियारों में जोरों पर है। लेकिन जिस हिसाब से पुलिस आरोपियों को संदेही मानकर बख्श रही है, उससे तो साफ समझ आ रहा है कि मामले में जरूर कुछ न कुछ गोलमाल तो है। नहीं, ये इतना आसान से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो जो FIR है देहाती नलिस के आधार पर लिखी गई है, तो पुलिस का एकदम सीधा सीधा उनको क्लीन चिट देना तो उचित नहीं है और इलीगल है, क्योंकि सीधे सीधे FIR में नाम लिखा हुआ है, देहाती नलिस से आया, इसलिए अपने FIR में और FIR पुलिस ने लिखी है, देहाती नलिस उस व्यक्ति ने हाथ ने लिखी है और पुलिस ने FIR लिखी है। तो FIR लिखने के बाद में आपको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन करने का चार्जशीट कोर्ट में फाइल करना चाहिए। कोर्ट डिसाइड करेगी इसमें कि उनके अगेंस्ट मामला बनता है नहीं बनता, वो कोर्ट डिसाइड करेगी। फिलहाल प्राइमरी स्टेज पर इतनी जल्दी इनको क्लीन चिट देना उचित नहीं, गैर कानूनी है और गैर कानूनी कह सकते हैं उसको, या फिर ये कह सकते हैं कोई प्रेशर हो गया या इंटरेस्ट लेके वो मतलब उनको बचाने की कोशिश कर रहे, तो ये उचित नहीं, इलीगल है। बजरंग दल का जिला प्रमुख जो राकू चौधरी की हत्या हुई है, उसमें उसकी हत्या हुई है, जो जो एक समाज सेवी था, जो अच्छा काम करता था, वो मंदिर की लड़ाई लड़ रहा था, जिसमें जिसकी हत्या 29 तारीख को हो गई थी। उसमें मुख्य आरोपी कमल आर्य, जसवंत आर्य व विजय पटेल है, जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। ये हमने IG से, SP से, सबसे अधिकारियों से बात की है, वो इस चीज को दबाना चाह रहे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, और इन्होंने ये मंदिर की लड़ाई थी, ये 2017 में भी ये इन्होंने घर पर हमला करा था, जिसके बाद 2019 में फिर इन्होंने हमला करा था। हमारे पास लिखित में इनकी रिपोर्ट दर्ज है, और अभी भी इन्होंने हत्या करवा दी, इतना बड़ा कांड करवा दिया, इन्होंने अभी तक इनको नाम दर्ज है रिपोर्ट में, अभी तक इनको गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। मेरे भाई को ये गुंडा साबित करना चाह रहे हैं, जबकि वो एक समाज सेवी था, बजरंग दल का जिला प्रमुख था, उसने लॉकडाउन में राशन बांटे, गाय की सेवा करी, और इतना काम करने के बाद उसे आज
गुंडा साबित करते जाए। अगर भजन दल में ये स्थिति रही आज हिंदू समाज में, तो आने वाले समय में ये काम समाज सेवी के रूप में आज कोई उभर के नहीं आ पाएगा। के लिए दवा बाजार में 50 लाख रुपए से अधिक कीमत की दवाइयों की चोरी करने वाली गैंग आखिरकार पुलिस ने पकड़ ही ली। गैंग के आधा दर्जन बदमाश पुलिस गिरफ्त में है। मामले में रविवार को नीलगंगा थाना पुलिस खुलासा कर सकती है। दवा बाजार स्थित अभय एजेंसी और बोवल सेंटर पर 50 लाख रुपए से अधिक कीमत की दवाइयां चोरी हुई थी। अभय एजेंसी पर करीब 1.5 साल पहले काम करने वाले रोहित ने ही इन चोरियों का अंजाम दिया था। रोहित ने बेड़छा के रहने वाले मुकेश, मक्सी के रहने वाले जीवन और 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर अभय एजेंसी पर वारदात को अंजाम दिया था। काम में लापरवाही के चलते एजेंसी मालिक अभय जैन ने उसे भगा दिया था। इस दौरान रोहित ने दुकान के ताले की नकली चाबी बनवा ली और कुछ महीने बाद उसने चोरी का सिलसिला शुरू किया। रात दवा बाजार बंद होने के बाद भी स्टॉक मैनेज करने के लिए दवा बाजार की कई दुकानें खुली रहती हैं। ये बात रोहित को अच्छे तरीके से पता थी, इसी का फायदा उसने उठाया और कई महीनों तक रात के समय नकली चाबी से शटर खोलकर शुगर, कार्डिक और कैंसर संबंधित महंगी दवाइयों की चोरी की। स्टॉक रजिस्टर में एंट्री होने के बावजूद दवाइयां नहीं मिलने पर अभय जैन को शंका हुई तो उसने CCTV फुटेज चेक किए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिले। इसके बाद एक दिन उनकी नज़र कैमरों पर पड़ी। ये कैमरे रात को नियत समय पर बंद रहते थे। नीलगंगा थाना पुलिस ने अभय जैन की शिकायत पर 25 लाख रुपये कीमत की दवाइयों की चोरी की रिपोर्ट दर्ज की। मास्टरमाइंड रोहित दुकान के चप्पे चप्पे से वाकिफ था, इसलिए वह दुकान में घुसने के पहले ही CCTV कैमरे बंद कर देता था। CCTV फुटेज से कोई सुराग नहीं लगने से पुलिस भी परेशान थी। लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद 30 दिसंबर को बोवल सेंटर पर भी 20 लाख की दवाइयों की चोरी का मामला सामने आया और यहां से भी महंगी दवाइयों की चोरी मिली। लेकिन इस बार दुकान के वेंटिलेशन से घुसते वक्त रोहित का चेहरा छुपा होने के बाद भी उसकी चाल ढाल, हाथ घड़ी और जूतों से उसकी पहचान हो गई। बस इस सुराग पर रोहित को दबोचा तो दोनों चोरियों का खुलासा हो गया। बोवल सेंटर के भी रोहित ने वेंटिलेशन से प्रवेश करने के बाद सबसे पहले CCTV ही बंद किए थे, लेकिन चोर कितना ही शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है। बहरहाल रविवार को नीलगंगा पुलिस मामले का खुलासा कर सकती। उज्जैन का बड़नगर का एक शिक्षक आता ताई निकला। वह छड़ी से पीट कर पत्नी को संबंध बनाने पर विवश करता, फिर एक दिन उसने पत्नी को 3 तलाक दे दिया। इंदौर के सदर बाजार थाने में पत्नी ने इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिर मामला कोर्ट पहुंचा तो घरेलू हिंसा का मामला भी दर्ज किया गया। पीड़िता की वकील प्रीति महना ने बताया कि बड़नगर में पदस्थ शिक्षक एजाज की शादी सदर बाजार में रहने वाली युवती से हुई थी। शादी के बाद से ही वह पत्नी को बुरी तरह प्रताड़ित करता था। वह छड़ी से पीट कर पत्नी को संबंध बनाने के लिए विवश करता। इन संबंधों के कारण युवती गर्भवती हुई और सोनोग्राफी में एबनॉर्मल बच्चा होने की जानकारी मिली तो युवती ने हाई कोर्ट से गर्भपात की इजाजत मांगी। बावजूद इसके एजाज ने सहयोग नहीं किया। ऐसे में प्रसूति हुई और कुछ दिन बाद शिशु की मौत हो गई। बावजूद इसके एजाज की प्रताड़ना कम नहीं हुई। वह छड़ी से पिटाई कर संबंध बनाने के लिए विवश करने लगा। ऐसे में युवती ने इंदौर कोर्ट में याचिका दाखिल कर मदद मांगी। इसी बीच एजाज ने 3 तलाक दे दिया। आखिर कोर्ट ने युवती की बातों को ठीक माना और एजाज के खिलाफ घरेलू हिंसा का प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया है। माननीय हाईकोर्ट ने आदेश प्राप्त करा अबॉर्शन कराने का, तो पति जानबूझकर घरेलू हिंसा कारित करने के उद्देश्य से मोबाइल बंद कर लिया। पीड़िता को एबनॉर्मल बच्चा हुआ और पति ने कहा कि अब तू मेरे किसी लायक नहीं और 3 तलाक दे के भग गया। इसके विरुद्ध सदर बाजार थाने में 3 तलाक का प्रकरण पंजीबद्ध है। सभी दस्तावेजों के आधार पर हम जब न्यायालय में गए, न्यायालय ने पति एजाज जो शिक्षक है और पूरे परिवार के विरुद्ध घरेलू हिंसा का प्रकरण पंजीबद्ध किया। महाराष्ट्र के मुलुंड के अंगाड़िया क्षेत्र में 70 लाख की लूट को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को उज्जैन STF ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। दरअसल आरोपियों ने 2 फरवरी को वारदात को अंजाम दिया था। हथियारों से लैस बदमाश कंपनी के दफ्तर में घुसे और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। वारदात मुलुंड के बदमाशों ने UP के बदमाशों के साथ मिलकर की थी। ऐसे में उज्जैन पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को पकड़ने में सफलता हासिल की। महाराष्ट्र STF और मध्य प्रदेश STF की संयुक्त कार्रवाई में पकड़े गए बदमाशों में से 3 लाख रुपए नगद एवं 1 4-व्हीलर वाहन पकड़ा गया है। आरोपी UP के 6ठे बदमाश है और इन पर हत्या का प्रयास, लूट के प्रकरण दर्ज है। कोविड के कारण करीब 2-1.5 महीने से श्री महाकालेश्वर मंदिर गर्भगृह में बंद प्रवेश शनिवार से फिर से शुरू कर दिया गया है।
हालांकि रविवार और सोमवार को गर्भगृह पहले की तरह ही बंद रहेगा। करीब 20 दिसंबर के आसपास गर्भगृह में प्रवेश बंद कर दिया गया था। इसके दो कारण थे, एक ईयर एंडिंग के कारण मंदिर में बढ़ती भीड़ और बाद में कोविड का बढ़ता संक्रमण। अब एक बार फिर से स्थिति ठीक होते ही श्री महाकालेश्वर मंदिर गर्भगृह में प्रवेश शुरू कर दिया गया। मंदिर समिति के प्रशासक गणेश कुमार धाकड़ ने बताया कि बसंत पंचमी से गर्भगृह में आम आदमियों का प्रवेश शुरू कर दिया गया है। वैसे प्रवेश व्यवस्था में भीड़ के मुताबिक बदलाव होता रहेगा। फिलहाल रविवार और सोमवार को गर्भगृह में प्रवेश बंद रखा जाएगा। गौरतलब है कि 3 फरवरी से ही 1500 रुपए शुल्क के साथ गर्भगृह में दो व्यक्तियों का प्रवेश शुरू किया गया था। बसंत पंचमी के अवसर बाबा महाकाल के असीम अनुकंपा से श्रद्धालुओं के लिए आज गर्भगृह प्रवेश आरंभ कर दिया गया है। यह श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए समय समय पर इसको निगरानी रखकर इसको चालू रखा जाएगा और अब देखते हैं आगे क्या स्थिति बनती है, उस हिसाब से अपन इसमें आगे निर्णय लगेंगे, किंतु आज चालू हो गया है। शनि रविवार और सोमवार अभी बंद रख रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति भीड़ कम होती है अभी तो भीड़ को देखते हुए क्या श्रद्धालुओं की कितनी संख्या होती है उस आधार पर निर्णय लिया जाएगा। उज्जैन में भी फिल्में और वेब सीरीज बनाई जा सकती है। यहाँ पर लोकेशन देखने के बाद इस पर विचार किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में फिल्म और वेब सीरीज पर सब्सिडी मिलने के कारण यहाँ अधिक फिल्में और वेब सीरीज बनने की संभावना है। यह बात फिल्म अभिनेता दिलीप आर्या ने शनिवार को तरणताल स्थित प्रेस क्लब में मीडिया से मुखातिब होते हुए कही। बिहार के बागी वेब सीरीज में अपनी अदाकारी का लोहा मनवा चुके दिलीप आर्या अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ भगवान महाकालेश्वर के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचे थे। इस दौरान वे मीडिया से भी रूबरू हुए और बिहार के बागी की शूटिंग के दौरान के अपने अनुभव भी साझा किए। उन्होंने बताया वेब सीरीज की शूटिंग चित्रकूट के आसपास की गई। वहीं बिहार के बागी 2 की शूटिंग भी जल्द शुरू होगी जो जबलपुर और उसके आसपास फिल्माई जाएगी। शुरुआत में उज्जैन के कलाकार दिलीप आकोदिया सहित अन्य लोगों ने उनका स्वागत किया। वेब सीरीज और फिल्मों की तुलना के सवाल पर उन्होंने कहा, दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। फिल्म अपनी जगह है और वेब सीरीज अपनी जगह है। वेब सीरीज में हर एपिसोड में नए नए विषय जोड़े जाते हैं, परंतु फिल्म एक ही विषय में 2 या 3 घंटे में पूरी हो जाती है। बड़े कलाकार भी आजकल छोटे पर्दे का रुख कर रहे हैं, हालांकि इससे फिल्म इंडस्ट्री पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अभिनेता दिलीप ने अपने आगामी प्रोजेक्ट के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा उनकी अगली फिल्म नाच बसंती नाच है, जिसमें उनके साथ अभिनेत्री रिया कपूर नजर आएगी। फिल्म आज के शास्त्रीय और लोक नृत्य के कलाकारों के जीवन पर आधारित है। इसी के साथ फौजी के कर्तव्य स्थल पर किए जा रहे संघर्ष को लेकर लांस नायक और पुलिस की स्थिति पर बरसा बाजार वेब सीरीज भी शीघ्र आएगी। नहीं, मैं परिवार के साथ आया हूँ, महाकाल का आशीर्वाद सबको मिल जाए। मेरी अभी नाच बसंती नाच आएगी, बिहार का बागी सीजन 2 आएगा, लांस नायक एक फिल्म आएगी, बरसा बाजार एक फिल्म आएगी, तो ये 3-4 फिल्में ही इस साल। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग फिल्म देखिए। मैं इतना खाली उस फिल्म के लिए बता दूं कि वो लोक कलाकार जो फोक आर्टिस्ट हैं उन पे आधारित ये फिल्म है और बहुत ही संवेदनशील विषय है जिस पे ये फिल्म बनाई गई। आज मैं देखूंगा, अच्छा तो लग रहा है, लोगों का प्यार तो बहुत है, आना चाहिए। मैं भी मौका मिलेगा तो मैं भी आऊँगा और लोगों को भी आमंत्रित करता हूँ कि और लोग भी आएँ, उज्जैन में शूटिंग करें। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ की जगहें बहुत अच्छी हैं, तो उसको जितना ज़्यादा हो सके देश और दुनिया तक फैलाएं। शहर को नए साल में नई सौगात मिली है। रेल बजट 2022-23 में उज्जैन को 2.2 किलोमीटर के फ्लाईओवर ब्रिज के लिए 10 करोड़ रुपए मिले हैं। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 8 तक पहुंचने के लिए एक नया फ्लाईओवर ब्रिज बनाने की योजना है। ओवर ब्रिज बनने के बाद मुख्य स्टेशन की माधवनगर स्टेशन की और कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। अभी मुख्य स्टेशन पर 2 फ्लाईओवर ब्रिज है, एक मुख्य स्टेशन के टिकट बुकिंग काउंटर के सामने और दूसरा माल गोदाम के सामने। जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीना के अनुसार पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल की विभिन्न परियोजनाओं के तहत रेल बजट में राशि आवंटित की गई है। 2.2 फ्लाईओवर ब्रिज के 10 करोड़ के अलावा नई खेड़ी उज्जैन संपार संख्या 23 के बदले ऊपरी सड़क पुल के लिए 1 करोड़, असलावदा नई खेड़ी गंभीर ब्रिज का दोहरीकरण के लिए 1 करोड़, बेड़ावनिया नागदा खंड में संपार संख्या 102 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल के लिए 2 करोड़, नागदा यार्ड में संपार संख्या 103 के स्थान पर 2 लेन वाला ऊपरी सड़क पुल के लिए 2 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। पैसे के लेन देन में युवक की हत्या करने वाले 3 हत्यारों को कोर्ट ने आजीवन कारावास सुनाई है। कोर्ट में करीब 4 साल तक चली सुनवाई के बाद शनिवार को फैसला सुनाया गया।
गांधीनगर में रहने वाले चेतन नामक युवक की हत्या यहीं के रहने वाले तरुण शेर पिता सुरेश, उसके भाई पिंकेश और ऋतिक ललावत पिता दुलीचंद निवासी सार्थक नगर ने की थी। घटना के वक्त चेतन घर के पास ही बगीचे में मोबाइल पर गेम खेल रहा था। इसी दौरान तीनों युवक आए और उससे पैसे मांगने लगे। युवक ने सैलरी आने पर रुपए देने की बात की। इस पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दी। मारपीट में चेतन के सिर पर गंभीर चोट आई। अस्पताल में उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों पर प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया था। मामले में करीब 4 साल की सुनवाई के बाद शनिवार को तीनों को आजीवन कारावास और 30,000 रुपए का अर्थदंड लगाया है। शासन की तरफ से पैरवी AGP रविंद्र कुशवाहा ने की। इंदौर से चलने वाली 3 ट्रेनों के झांसी रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के समय में रेलवे ने बदलाव किया है। इसके मुताबिक इंदौर से पटना तक जाने वाली एक्सप्रेस 16 एवं 19 फरवरी से झांसी स्टेशन पर रात 11:05 पर पहुंचेगी। इसी तरह अंबेडकर नगर से पटना के लिए जाने वाली कामाख्या एक्सप्रेस 17 फरवरी से झांसी स्टेशन पर रात 11:05 पर पहुंचेगी और 5 मिनट का हॉल्ट देकर रवाना हो जाएगी। जिले की गर्भवतियों का 100% रजिस्ट्रेशन होगा। अनमोल पोर्टल पर यह रजिस्ट्रेशन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और ANM के माध्यम से किया जाएगा। शनिवार को कलेक्टर ने BMO और सुपरवाइजर की मीटिंग में कहा कि जब तक 100% रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, खून की कमी से जूझ रही महिलाओं का उपचार नहीं किया जा सकेगा। ऐसे में रजिस्ट्रेशन के द्वारा ही प्रसूति के दौरान होने वाली मौतों को रोका जा सकता है। कलेक्टर ने कहा कि ब्लॉक स्तर पर अभी भी गर्भवती महिलाओं की पहचान नहीं हो रही है। यदि ANM ऐसा नहीं कर रही है तो उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए। एनीमिया पीड़ित महिलाओं की जांच उचित तरीके से करने का आदेश भी कलेक्टर ने दिया। नगरीय निकाय को कम से कम 3-स्टार रैंक तो लानी ही चाहिए, इसके लिए सभी निकाय अभी से प्रयास करें। शनिवार को यह निर्देश कलेक्टर आशीष सिंह ने नगरीय निकाय के अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग में दिए। 15 फरवरी से स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए डॉक्यूमेंटेशन का काम शुरू होगा। इस बार सर्वेक्षण में 7,500 अंक है। इनमें से 3,000 सेवा, 2,250 प्रमाणन एवं नागरिक से जुड़ाव के लिए 2,250 नंबर है। कलेक्टर ने अधोसंरचना, वेट बेस्ड परामर्श सुविधाओं पर खास तौर पर फोकस करने का कहा है। निकाय अफसरों ने भी कलेक्टर को आश्वस्त किया है कि वह 3-स्टार रैंकिंग लेकर आएंगे। नागजीरी क्षेत्र स्थित 32वीं बटालियन में बसंत पंचमी पर ओपन जिम शुरू किया गया। कार्यक्रम के अतिथि कैबिनेट मंत्री मोहन यादव और आचार्य शेखर थे। डॉक्टर यादव ने कहा कि बटालियन परिसर में शुद्ध जल मुहैया कराने और सीवरेज के निष्पादन के लिए 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जिम में विभिन्न तरह के उपकरण लगाए गए हैं, इन पर लोग कसरत कर सकते हैं। बटालियन के जवान भी जिम में कसरत करके और फिट रह सकते हैं। इस मौके पर 32वीं बटालियन की कमांडेंट सविता सोहाने और जवान खास तौर पर उपस्थित थे। और अब खबरें दे दनादन। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने गोवर्धन सागर में चल रहे सफाई कार्य का बसंत पंचमी पर अवलोकन किया। उन्होंने संत समाज सेवियों से सफाई कार्य की जानकारी ली। विधिक सेवा प्राधिकरण ने पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत 5,61,000 रुपए स्वीकृत कराए। यह राशि हत्या के 1 और रेप के 3 मामलों के लिए स्वीकृत कराई गई है। मिडिल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों की मान्यता के लिए अब 11 फरवरी तक आवेदन किया जा सकेगा। हालांकि इसके लिए 20,000 रुपए का विलंब शुल्क चुकाना पड़ेगा। जिला शिक्षा अधिकारी 18 फरवरी को मान्यता नवीनीकरण प्रकरणों का अवलोकन करेंगे। कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक और अवसर दिया है। इसके मुताबिक 6 फरवरी तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन किया जा सकता है। विलंब शुल्क 10,000 रुपए जबकि परीक्षा शुल्क 900 रुपए रहेगा। तो आपने देखी आज की कुछ ताजा खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।